तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं जमान शेख आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं और हम आ गए अपने पिजन लॉफ्ट पे। तो ये शाम का वक्त था और हमने सारे कबूतरों का भी फिलहाल खोला नहीं हुआ है। हमने बाहर पानी रख दिया साफ करके गमला फिलहाल, और अपने लॉफ्ट में थोड़ा सा आए थे देखने की कोई कबूतर बीमार तो नहीं है। तो फिलहाल तो हमारे सारे कबूतर ठीक है, पहले से बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और दिखाते हैं आपको कि हमारे कबूतर पहले से कैसा फील कर रहे हैं। तो मौसम काफ़ी खुशनुमा सा है और कबूतर हमारे काफ़ी एक्टिव हो गए हैं पहले से। दवा चलाने की वजह से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ हमारे कबूतरों को। ये फटाफट से सीधा दावत पे ही लूट मचा दी है और कुछ कबूतर हमारे ऊपर भी उड़ रहे हैं। ये रहे वो, तो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वार्म अप हमने कराने की कोशिश की थी कल, पर देखिए ज़्यादातर की परे और दुम झड़ रही है और सीधा हवा से नीचे ही उड़ के चली जा रही है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही कबूतरों को, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा दिन और फिर ये भी सबर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कबूतर फिलहाल एक्टिव हो गए हैं ठीक ठाक और हेल्दी भी हो गए हैं, तो बस इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा उड़ाने के लिए। हम फटाफट से दाना दे देते थोड़ा सा कबूतरों को। फिलहाल सब मज़े से खा रहे हैं, ठीक ठाक भी हैं, पहले से हेल्दी भी हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे हैं, पहले से पर झड़ गई है तो काफ़ी क्लियर हो गए हैं हमारे कबूतर और हेल्दी भी हैं। तो यही हम दिखाना चाह रहे थे कि फिलहाल हमने जो मेडिसिन चलाई थी नोवामोक्स 500 mg, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था, जिससे कबूतर काफ़ी एक्टिव और अच्छा फील कर रहा है और देखने में भी ठीक ठाक लग रहे हैं। तो खा भी रहे हैं अच्छे से और हेल्थ भी ठीक ठाक है। सिर्फ एक कबूतर है इसमें थोड़ा सा ऐसा डैमेज लग रहा था, पर वो भी फिलहाल ठीक है इन सब के मुकाबले। और ये हमारा काफ़ी बेहतरीन कबूतर है, ये काफ़ी अच्छा कल्टा मारता है, आप देख सकते हैं अभी मारेगा ये। तो जब हम कहेंगे तो शायद ये ना मारे, क्योंकि ज़रूरत पे वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। फिलहाल देखते हैं कल्टा मारता है क्या। काफ़ी बेहतरीन कल्टा मारता है, एक मारा लेकिन उसमें थोड़ा सा उलझ गया, दूसरा भी मारेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल कल्टा नहीं मारा, एक ही मारा था वो भी थोड़ा सा और सीधा लॉफ्ट के ऊपर आ गया। तो सिर्फ कबूतर सारे हेल्दी होने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं, क्योंकि परे झड़े जा रही हैं और कबूतर सिर्फ खा करके बदन बना रहे हैं। तो ये सिलसिला रखना पड़ेगा। रोटी हम लेकर के कंटिन्यू आ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी घी मिला करके और गेहूं दे रहे हैं, थोड़ा सा बाजरा उजरा इसलिए हमने बंद कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा गर्म होता है। तो बीच में हम लेकर के आ रहे थे, ये जहाँ से हमने इनका दाना मंगवा रहे थे उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए मामला रुका हुआ है। और दूसरी जगह से हम लेकर के आए थे तो कुछ खास जमा नहीं था, इसलिए वहाँ से नहीं लेकर आए, कुछ अच्छा दाना नहीं दिया था कबूतरों का। तो फिलहाल अभी इसी पे डिपेंड है ये सब, कोशिश करेंगे कोई नया मिले जिससे हम बेहतर मंगा सकें, क्योंकि ठंडी में ज़रूरत पड़ती है बाजरे की, उससे कबूतर मजबूत रहता है, काफ़ी गर्म रहता है तो ठंडी में ताकत मिलती है उसको, हीट भी रहती है बॉडी अच्छी खासी। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे कबूतर काफ़ी एक्टिव और ठीक फील कर रहे हैं और अच्छा, क्योंकि बेहतर महसूस कर रहे हैं काफ़ी पहले से। तो हम आज इनको वार्म अप कराने के लिए आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा वार्म अप कराएंगे कबूतरों का। तो फिलहाल चलो चलो, तो फिलहाल वार्म अप के लिए जा नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है नाराज़ है थोड़ा सा। चलो ऊपर, थोड़ा सा सिर्फ जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कहें सिर्फ थोड़ा सा, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है हमें ये देख करके सीन। तो कोशिश हम वार्म अप की डेली कर रहे हैं, कबूतरा भद भद करके आगे गिर रहा है, जिसे डमरू नहीं होता है
वैसा बसता है, वैसा कबूतर आगे सीधा उलट जा रहा है लाफ के ऊपर दम करके। ये देखिए सीधा हाँफना चालू कर दिया, इसके तो सर के सारे बाल ही गायब हैं और ये तो 50 ग्राम का उड़ भी नहीं पा रहा है, काफ़ी छोटा है, उड़ने की क्या ज़रूरत, हमने इसे उड़ाया भी नहीं था। ये देखिए इसके भी चेहरे का सारा पीछे का बाल झड़ गया है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, वो भी एडजस्ट हो जाएगी। तो कुछ कबूतर उड़ रहे हैं जो थोड़ा सा क्लियर हैं, हल्का कच्ची परों पर, तो वार्म अप ठीक ठाक दे रहे हैं, अब बाकी तो अपना पेट भरने ही में लगे, तो ये अपनी पेट पूजा नहीं छोड़ सकते। फिलहाल वार्म अप हम कराते रहेंगे सारे कबूतरों का धीरे धीरे, क्योंकि जो बची कुची परे हैं ख़राब वाली, वो वार्म अप कराने की वजह से झड़ जाएगी। वो देखिए काफ़ी ऊपर एक कबूतर है, इधर आने की कोशिश में था पर आया नहीं, काफ़ी दूर निकल गया, वो शायद हमें दिख भी नहीं रहा क्लियरली। फोकस करते देखते हैं वो दिखता है क्या, ये रहा, तो काफी दूर है जिसकी वजह से क्लियर नहीं आ पा रहा। तो फिलहाल आपने देखा हमारे कबूतर कैसे हैं, हेल्थ में तो ठीक ठाक है, सिर्फ परों की वजह से थोड़ा सा परेशान है, तो वो भी जल्दी सही हो जाएंगे। फिलहाल थोड़े बहुत जो हैं वो वार्म अप दे रहे हैं, फिलहाल ठीक ठाक, तो हम कबूतरों को उड़ा करके चेक करते रह रहे हैं कि हमारे कबूतर ठीक ठाक रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना उड़ने में। तो फिलहाल बहुत खास नहीं है, फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो उनका पता चल रहा है कि जो कच्ची पर है वो छोटी है और जो वैसी पर है पुरानी वाली काफ़ी बड़ी और काफ़ी साउंड भी कर रहे हैं झड़ने की वजह से, जिसकी दुम आधी है, आधी किसी की दुम है ही नहीं, किसी के सर पे बाल नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा ये भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कितना साउंड कर रहा कबूतर आकर के, मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ इसकी पुरानी परे और नई परे। ये देखिए जो नई परे हैं वो चमक रही हैं, जो पुरानी परे हैं वो थोड़ा सा गंदी हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा सा अभी झड़ने में टाइम है, कबूतरा काफ़ी हाँफ रहा है। ये देखिए इसकी तो आधी दुम ही नहीं है और सीधा लॉफ पे ही गिर गया, अभी झड़ रहा है, चेहरे के बाल देखिए वाइट वाइट कलर के हो गए, अभी ब्लैक वाले बाकी हैं झड़ना, तो ये काफ़ी बेहतरीन बच्चे निकले हुए हैं इस टाइम, तो इन लोगों का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने आपको दिखाया कि हमारे कबूतर वार्म अप के लिए अभी फुल्ली तैयार नहीं है, तो कोशिश जारी है, धीरे धीरे एक्टिव हो जाएंगे। खैर इन्हें भी खिला करके हम फटाफट बंद करते हैं और कोशिश यही रहेगी कि आपको जल्द से जल्द इनका सारा परफॉर्मेंस दिखाएं कि ये कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्योंकि नए बच्चे जो निकले हुए हैं जो सर्वाइव करके आगे तक आए हुए हैं, जिनकी डेथ हो गई उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो बचे हुए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम ज़्यादातर कबूतर इसमें से कम कर देंगे और कुछ नस्लें भी कम कर देंगे, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो वो कबूतर हम रख के करेंगे क्या, तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, जैसा होगा रिस्पॉन्स आएगा फिर आपको भी वैसा सामने ही दिखाएंगे। फिलहाल तो आपने देख ही लिया क्या मसला चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा दिक्कत है परों की वजह से हमारे कबूतरों में। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, बाय बाय दोस्तों।